बेटा बात करना बंद करिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए आप लोग। अभी आप लोग नोट नहीं करोगे, मैं कुछ जो क्वेश्चंस पूछूंगा उसका आंसर करो। यहां पर है क्या केस, आपके पास एक कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम पे सीरीज और पैरेलल बताया था, ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें हमने आपको वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, वेरिएबल डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मैंने बताया था, उसको हमने सॉल्व किया। अब ये वही क्वेश्चन है, इसमें आपके पास अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये प्लेट डायमेंशन की अगर जरूरत पड़ती है हमें, तो ये आपके पास इस तरीके से, इसकी जो विड्थ है, इसकी ये विड्थ आपके पास ये W दे रखी है, और यहां पर ये आपके पास डायमेंशन जो है ना वो L है आपके पास, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके स्मॉल d है, ये सिचुएशन है आप। और इन दोनों के बीच में हमने यहां पर स्लैब को, दो डायलेक्ट्रिक स्लैब इस तरीके से रखी, इतने रीजन में हमने एक K1 की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया, और उसके रिमेनिंग हाफ में ये आपके पास जो है इसमें हमने दूसरा डायलेक्ट्रिक लिया हुआ है, ये आपके पास K2 है। अब तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, अगर मैं इस केस की बात करूं तो यह एग्जैक्टली कोई सीरीज पैरेलल तो डायरेक्ट तो आपको नहीं दिख रहा, और यहां पर ये आपका एक टर्मिनल ये दिया हुआ है आपके पास, और दूसरा टर्मिनल ये आपके पास है, ये सिचुएशन है आपका। क्लियर बात सभी को? अब देखो अगर मैं इस केस की बात करूं यहां पर, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना है, बाकी सब कुछ सारे पैरामीटर्स आपके गिवन है। बताओ अगर मैं इस केस की बात करूं, तो यहां पर बताओ इन दोनों के अक्रॉस आपके पास एक बैटरी लगी होगी। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के दो मैथड है, दो मैथड क्या है, अब आपको यह मुझे बताना है कौन सही है कौन गलत है। पहला मैथड क्या है मेरा, ये आपके पास ये K1 है, ये K2 है। फर्स्ट मेथड मैंने क्या लिया, मैं यहां से कुछ y डिस्टेंस ऊपर गया और मैंने ये यहां पर एक dy लिया, y पे इसको dy, एक इस वाले के लिए ले लिया और एक दूसरे वाले तरफ ले लिया, ठीक। अब बताओ अगर मैं ये y की बात करता हूं, इसको मैं कुछ थीटा ले लेता हूं, और अगर आपके पास अगर मैं इस केस की बात करूं यहां पर, तो मुझे ये बताओ अगर ये tan थीटा बताओ आपके पास क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स, तो बताओ एक्स की वैल्यू बताओ ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास। अरे भाई ये थीटा तो ये थीटा, tan थीटा इज टू वाई अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू बताओ क्या वाई कॉट थीटा हो जाएगी आपके, और टोटल एल है तो बताओ ये आपके पास क्या हुआ, दिस इज एल माइनस y cot थीटा, y cot थीटा, बताओ ये इतना ये हो गया, दो पार्ट में हो गया आपके पास। एक इस तरीके से हमने किया, और एक दूसरा मेथड हमने क्या लिया, एक ये फर्स्ट मेथड है, हमने डिफरेंशियल एलिमेंट इस तरीके से लिया, और सेकेंड मेथड की बात करें तो सेकेंड मेथड में हमने ये आपके पास सिचुएशन, यहां पर ये K1 ये K2, और इस बार जो है ना ये बैटरी लगी हुई है इसके अक्रॉस, और मैंने इस बार यहां पर मैं इस तरीके से यहां पर जनरल एक्स पे गया और मैंने ये dx ऐसे लिया, ये एलिमेंट मैंने ऐसे लिया, और ये इस तरीके से कुछ आपके पास था। अब बताओ अगर ये मैं कुछ थीटा ले लेता हूं, उसकी वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, अब बताओ अगर ये एक्स है तो ये बताओ आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपका दिस इज एक्स टैन थीटा, और ये एक्स है बताओ, ये इनके बीच का गैप है डी, तो बताओ ये वाली डायमेंशन बताओ बच्चा कितनी हो गई, डी माइनस एक्स टैन थीटा।
अब मेरा केस ये है कि ये दो मेथड हैं आपके पास, मैं ऐसे एक बार कर रहा हूं, एक बार ऐसे कर रहा हूं, ये दो। सबसे पहले बता दो इनमें से कौन सा मेथड सही है। दोनों ही मेथड सही है, हम किसी से भी अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सोच समझ रहे ना, फिजिक्स यहीं पे है, फिर उसके बाद तो मैथ्स है, इसके बाद कुछ है ही नहीं आपके। मतलब गलती हम इसी स्टेप में कर लेते हैं। आप इसे सॉल्व करोगे, मतलब घर पे कर लीजिएगा, दोनों के करेस्पॉन्डिंग अलग अलग आंसर्स आते हैं। हाँ, कोई भी, कितने लोग, अच्छा ये कह रहे हैं कि दोनों ही मेथड करेक्ट हैं। अच्छा, मैंने तो बता ही दिया कि दोनों से आंसर अलग ही अलग आएंगे, तो ऑब्वियस है दोनों करेक्ट नहीं है। तो जो अच्छा ये वाला कितने लोगों को लग रहा है करेक्ट है, फर्स्ट वन, पूरा कॉन्फिडेंट हो तो पूरा बस। और क्यों बच्चा ये क्यों करेक्ट है? अच्छा, कौन, कितने लोग कह रहे हैं ये वाला मेथड सही है? क्यों, मतलब तुम अगर ये मेथड सही बोल रहे हो तो इसको गलत बोल रहे हो ना। तो बच्चा ये बताओ तुम, ये गलत क्यों है? सही बात, देखो सभी लोग समझिए इस बात को। अगर मैं इस केस की बात करूंगा, मैंने इसके क्रॉस एक कोई वी वोल्ट की बैटरी लगाई, ध्यान देना सभी लोग, तो इस केस में एक बात पे ध्यान दो आप लोग। अगर मैं इस केस की बात करूंगा तो मैं यही तो बोलूंगा कि ये दोनों बताओ एक तरीके से क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, भाई यही तो बोलेंगे हम लोग। अब बताओ अगर ये डायलेक्ट्रिक है यहां पर इसके बीच में, बताओ अगर तुम इधर से जा रहे हो तो तुम्हारे पास सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या मिला, K1, और जब इधर से जा रहे हो K2, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होगा। मतलब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हम नहीं बता सकते कि ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम आएंगी। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है तो हम नहीं कह सकते ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएंगे आपके पास। क्योंकि भाई देखो ना, दोनों तरफ आपके पास मीडियम अलग अलग हो गए, तो मीडियम अगर अलग अलग है आपके पास, तो वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई लास्ट टाइम पे इस तरीके केसेस हम लोगों ने किए हुए, तो वहां पे मैंने आपको समझाया था कि हम इसको हमेशा क्या करते, 20 से कट करते थे। कट करने वाला कंसेप्ट था, तो कट करने वाला यही तो था कि हम दोनों पॉइंट को इक्वी पोटेंशियल नहीं बता सकते थे। तो इसीलिए इन दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास सेम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं, यहां पर अगर मैंने बैटरी लगाई हुई है, तो एक बात ये ध्यान से देखो कि इस केस में अगर मैं इस इतने वाले कैपेसिटर की बात करूं, इस वाले कैपेसिटर की, बताओ ये वाला जो कैपेसिटर है इतना पार्ट, बताओ इस पार्ट को और इस पार्ट की बात करूं, बताओ ये दोनों आपस में किस कॉम्बिनेशन में, पक्का सीरीज में तो होंगे ही आपके पास। मतलब अगर इन दोनों को मैं अलग से ऐसे निकाल लेता हूं, ये आपके इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से, बताओ इतने वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो ये आपकी डिस्टेंस बताओ कितनी है, x tan थीटा, और अगर ये x tan थीटा है, ये आपके पास K2 हुआ, और ये आपके पास बताओ d माइनस x tan थीटा है, तो बताओ ये आपके पास K1 हुआ। अब बताओ इसके अक्रॉस अगर मैंने यहां पर एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, तो बताओ ये तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं ये दोनों आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में, 100% सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहां हम लोग नहीं बोल सकते ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, और पोटेंशियल डिफरेंस का सेम होना कोई जरूरी नहीं होगा वो आपके, अगर K1 और K2 दोनों अलग अलग वैल्यूज है। तो अगर ऐसा है तो बताओ मेरे पास ये वाला सबसे इफेक्टिव मेथड हुआ। अब बताओ अगर मैं इसकी बात करूं, ये बताओ DC1 बताओ कितना हो गया, DC1 is equal to, बोलो अब इसका एरिया बताओ कितना हुआ। अगर मैं एरिया की बात करूं तो बताओ एक तरीके से हम लोगों ने जनरल एक्स पे जाके बताओ इसी तरीके से एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया हुआ है, और अगर ये डिफरेंशियल एलिमेंट लिया हुआ है तो बताओ यही तो एक तरीके से इसका एरिया हो गया। बताओ ये एरिया बताओ कितना हो जाएगा आपके, dA is equal to W into dx, बताओ यही तो एरिया हो गया। तो बताओ इसकी बात करेंगे, दिस इज dA एप्सिलॉन नॉट इनटू K1 अपॉन डिस्टेंस बताओ कितनी हो गई, डी माइनस एक्स टैन थीटा। तो बताओ ये DC1 की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज W इनटू dx W एप्सिलॉन नॉट K1 इनटू dx अपॉन डी माइनस एक्स टैन थीटा।
बताओ इसी तरह अगर मैं इधर जाता हूं, बताओ इस DC2 की वैल्यू की बात करें, बताओ ये DC2 कितना हो जाएगा? दिस DC2 इज इक्वल टू, बोलो दिस इज DA एप्सिलॉन नॉट इनटू K2 अपॉन, बताओ क्या हो जाएगा, x tan थीटा। और अगर ये x tan थीटा है तो बताओ यहां पे DC2 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज W इंटू एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू DX अपॉन x tan थीटा। ये tan थीटा बाद में एलिमिनेट कर लेंगे, उसकी कोई टेंशन। बताओ ये DC1 और DC2 आ गए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये हमारे पास नहीं मैथड हो सकता, हम इस वे से नहीं कर सकते अपने केस को। हमें अगर यहां पे लेना है तो एलिमेंट इस तरीके से लेना पड़ेगा और इन दोनों को किस कॉम्बिनेशन में रखना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले तो यहां तक कहानी सभी को क्लियर पूरी तरीके से, पक्का। अब बताओ ये दोनों आपस में तो कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज। सीरीज है तो बताओ हम यहां पे सी इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ इसका वन अपॉन डी सी इफेक्टिव किसके बराबर हो गया, दिस इज वन अपॉन डी सी वन प्लस वन अपॉन डी सी टू। बताओ वन अपॉन डी सी इफेक्टिव बताओ क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू डी सी वन बताओ क्या होगा, दिस इज डी माइनस एक्स टैन थीटा अपॉन क्या आएगा, ये डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट के वन डी एक्स। और आपके पास इधर क्या आ जाएगा, डी सी टू बताओ कितना आएगा, वन अपॉन डी सी टू एक्स टैन थीटा अपॉन डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट के टू इंटू डी एक्स। पहले तो यही तो हुआ आपके पास, क्विकली बेटा नोट करिए सभी लोग। इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए सब लोग। कंप्लीट कर लिया, ओके okay, चलिए अब देखो ध्यान देते हैं आगे क्या होगा। बताओ अगर इसको सॉल्व किया होगा आपने तो यहां से डीसी इफेक्टिव आएगा, दिस इज डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट के वन के टू, ये आया होगा, और क्या आया आपके पास, इनटू डीएक्स, और डीएक्स आएगा अपॉन क्या आएगा यहां पर के वन इंटू एक्स टेन थीटा, ये आएगा आपका K1 into X tan theta plus K2 into D minus X tan theta, यही आ रहा है ना, ये हमारे पास फाइनली आया। तो ये अल्टीमेटली उसको सिंप्लीफाई करके ये आया। तो यहां पर DC इफेक्टिव की बात करें इज इक्वल टू,
दिस इज डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट के वन इंटू के टू. इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें बताओ क्या आ जाएगा ये आपका. दिस इज के टू इंटू डी प्लस बताओ कितना आ जाएगा प्लस का एक्स टैन थीटा मतलब के वन माइनस के टू इंटू एक्स टैन थीटा. बताओ यही तो आया. अब बताओ इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो बताओ ये हमें इफेक्टिवली सी इफेक्टिव दे देगा आपका. अब बताओ अगर हम एक्स की बात करें तो यार ध्यान से समझना हमारा एक्स हमने ये लिया था. बताओ एक्स पूरा अगर जाएगा कहां तक जाएगा एक्स आपके पास एल. ये डायमेंशन हमने क्या लिया एल. तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो बताओ मुझे अब इंटीग्रेट करना है जीरो से लेके एल तक फाइनली. बताओ यहां से सी इफेक्टिव की बात करें तो सी इफेक्टिव कितना आ जाएगा बच्चा. दिस इज डब्ल्यू ये आपका कौन सा इंटीग्रेशन हो गया. दिस इज डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स. तो बताओ एक्स का कोफिशियंट बाहर आता है वन अपॉन बी एल एन ऑफ ए प्लस बी एक्स. तो बताओ यहां पर आएगा दिस इज डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट के वन के टू अपॉन बताओ ये क्या हो जाएगा. दिस इज के वन माइनस के टू इंटू टैन थीटा. दिस इज एल एन ऑफ के टू डी प्लस के वन माइनस के टू इंटू एक्स टैन थीटा. और लिमिट बताओ कहां से कहां हो गई जीरो से एल. अच्छा अगर मैं यहां पे टैन थीटा की बात करूं तो टैन थीटा भी तो हटाना पड़ेगा. टैन थीटा मैंने ये लिया हुआ था और टैन थीटा क्या हो जाएगा. ये डायमेंशन कितनी है डी और ये डायमेंशन एल. तो बताओ इस केस में टैन थीटा बताओ किसके बराबर है आपका डी बाय एल के बराबर. ओके तो बताओ इस केस की अगर मैं बात करूं दिस इज सी इफेक्टिव इज इक्वल टू tan theta की वैल्यू रखते हैं तो बताओ ये हो जाएगा w epsilon not l into k1 k2 upon k1 minus k2 into d into ln. बताओ जब हम यहां पे वैल्यू रखेंगे l तो बताओ ये कितना आ जाएगा k2 d plus l tan theta into k1 minus k2. अब बताओ अच्छा जीरो रखेंगे तब कितना आएगा. जीरो रखने पे आपके पास बताओ k2 d आएगा. अब बताओ L tan थीटा ये किसके बराबर हो गया. L tan थीटा की वैल्यू क्या है D. अगर D के बराबर है बताओ ये वाला टर्म K2D और K2D कैंसिल आउट हो गया. तो देखो आप यही हमें थोड़ा याद रहता है कि इस केस में जो C इफेक्टिव आपके पास आता है विच इज इक्वल टू W epsilon not L K1 K2 upon K1 minus K2 into D into ln of बताओ क्या हो जाएगा. दिस इज के वन डी अपॉन के टू. बताओ ये इफेक्टिवली के वन बाई के टू आएगा आपके पास. तो ये आपके पास. और देखना बच्चा यहां पर कई लोगों को लगता है ये सर यहां माइनस आ रहा है तो ये वैल्यू तो कैपेसिटी निगेटिव नहीं आएगा निगेटिव. क्योंकि अगर यहां निगेटिव हुआ तो यहां पर भी तो निगेटिव साइन आ जाएगा तो आपस में मैनेज हो जाएगा. तो हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव. तो बस इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इस केस की बात करें तो यहां पर एल एन का फंक्शन आता है आपके पास. एल एन ऑफ के वन बाई के टू का फंक्शन आता है. बात सभी को क्लियर. पहले कंप्लीट करिए सभी लोग. एक ln का फंक्शन आता है डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आता है k1 माइनस k2 आपके पास ये टर्म है. अब बस उसी के बिहाफ पे डायरेक्टली चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. नोट करें क्विकली नोट करिए.
कंप्लीट कर लिया ना बेटा, सभी लोग आइए। अभी किसमें लास्ट आर्टिकल बचा हुआ है, पेज नंबर 8 पे आइए। देखो हम लोग जब बात कर रहे थे फ्रिंजिंग की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया था अगर हम कोई भी डायलेक्ट्रिक स्लैब को जस्ट आउटसाइड द कैपेसिटर रखते हैं तो उस पर एक पुलिंग फोर्स एक्ट करता है, और उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने विद द हेल्प ऑफ फ्रिंजिंग दिया था। अब हम लोग का टास्क वही है कि हम लोगों को वो फोर्स कैलकुलेट करना है कि फोर्स कॉन्स्टेंट